إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم. I'd like to invite Brother Shahzad Bhatt Sahib to the minbar. Can you all come in with a loud salawat? मेरे हुसैन का जो भी बन या
मेरे हुसैन का जो
जाने खंदक में कैसे मुसलमान थे, ताने कुफार चुपचाप सुनते रहे, सबके पहलू में तलवारें मौजूद थी, सबके पहलू में तलवारें मौजूद थी, उम्र का सर किसी ने उतारा नहीं, बेकसों के मददगार मौला ने, बेकसों के मददगार मौला ने, जो तेरे कोई अपना सहारा नहीं, तेरा दर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, गैर का दर जब को गवारा नहीं, बेकसों के मददगार मौला अरे, जुस तेरे कोई अपना सहारा। दुरूद व मोहम्मद व आले मोहम्मद। I'd now like to invite our respected speaker, Maulana Sayyid Maulana Muazzam Ali Qumi Sahib, to the member. Can we welcome him with a loud salawat? चलो आप कसम तो उठा लेंगे ना, फिर गवाही जब देंगे। والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من الآن إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا صلوات أحباب أهل البيت خداوند ذوالجلال آپ لوگوں کا یہاں جمع ہونا اپنے قیمتی وقت کو یہاں خرچ کرنا اپنے آرام چھوڑ کر صفے ماتم شہیدان کربلا پر بیٹھ کر مظلومین کی یاد کو تازہ کرنا اپنی بارگاہ عبودیت میں قبول اور منظور کرنا خدا بندِ ذوالجلال سے دعا ہے کہ مولا کائنات خالق دو جہاں اس قوم کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے، مقروضوں کے قرضے غیب سے ادا، مریضوں کو شفا، بے اولادوں کو اولاد عطا ہو، اور جو منظورین ہیں، ملتمسین ہیں یا حاضرین ہیں، ان کی حاجات شرعیہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، وہ مالک حقیقی پوری فرمائے،
और महदी फातिमा यूसुफ गुमगश्ते जहरा जनाब हुज्जत इब्न हसन अल महदी अबू सालेह अल महदी का अफजल ज़ुहूर फरमाए और हमें उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाते हुए उनके कदमों में शहादत का रुतबा नसीब फरमाए। मुझे कहा गया कि इंग्लिश में बात करनी है तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि किसके लिए। डॉक्टर जी आप क्या वो कर सकते हैं? हाँ जी तो आप हाँ जी नहीं बात ये है कि हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, बात मान जाते हैं जो भी कोई कहता है तो। लेकिन बेसिकली तो ये था कि थर्सडे को, लेकिन होता क्या है कि हमारे हौज़मी लैंग्वेज में अरबी में कहते हैं कि इज़ा फ़ात अश्शर्त फ़ात अलमशरूत, जब शर्त ना हो ख़त्म हो जाए तो मशरूत खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। कहा गया कि इंग्लिश में बात की जब इंग्लिश वाले हैं ही नहीं तो इट मेक्स नो सेंस कि अगेन मैं जो है वो बॉक्सिंग अगेंस्ट द वॉल। तो ये लोग जो आप हजरात बैठे हैं ये तो फैमिलियर भी हैं और मेरे ख्याल में इन लोगों को मज़ा भी यही ज़्यादा आता है उर्दू में, तो ट्राई करूँगा। एक अजीज़ ने कहा कि जी मिक्स, तो इंशाअल्लाह अजीज़ मुझे लगता है कि एक दो छोटे छोटे फ्यूचर हमें हमारे जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, सो आई विल ट्राई इंशाअल्लाह लिटिल बिट टाइम टू स्पेंड फॉर देम एज वेल। आई एम नॉट वेल इवन, सो आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट कि आपकी न्याज जो है वो भी ठंडी ना हो जाए। तो ये मैं जानबूझ के कह रहा हूँ और आई होप के एक वक्त आएगा कि किसी को ये कहना ही ना पड़े, इसलिए कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर ये कहें कोई टेस्ट करने वाला आ जाएगा कहीं जी न्याज नहीं होगी तो देखेंगे फिर कोई कौन आता है कि नहीं। तो अजीज़ा ने मुहतरम मिल के सलवात सुनाइए मोहम्मद आल मोहम्मद पर। ट्राई करूँगा कि नौ वाली गाड़ी पे आपको इंशाअल्लाह रवाना कर दें। बहरहाल यह है कि मैंने मासूम अलैहिस्सलाम का कौल पाक जो है वो आपकी खिदमत में तिलावत करने का शरफ हासिल किया और नारे वाली वजह से तो कभी कभी सुन लेते हैं आप लोग, कभी कभी कड़वी बातें भी आदत डालें तो क्या हर्ज है, इसमें खर्चा नहीं आएगा यकीन जानिए। कभी कभी जो है वो ऐसी बातें भी हो जानी चाहिए, है ना जी, यूथ साथ देंगे कि नहीं। हाँ तो आज हो सकता है कोई कड़वी कड़वी बातें भी मुंह से निकल जाए, मैं कोशिश करूँगा नहीं, लेकिन हो सकता है जी जबान है तो इंशाल्लाह माफ़ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं उसको जिनकी बातें। तो अजीज़ा ने मोहतरम मासूम ने इरशाद फरमाया, ये बुजुर्गान भी इधर तवज्जो से सुन रहे हैं, वैसे ये बुजुर्गान यहाँ पहले भी होते हैं, ये मेरी बातें पहले भी सुनते रहते हैं, आप कभी कभी हाथे चढ़ते हैं। तो क्या है कि मासूम ने इरशाद फरमाया इन्ना लिकत्ल हुसैन अरारा फी कुलूबिल मुमिनीन, के इमाम मज़लूम करबला की शहादत की एक चिंगारी और आग और एक शोला मोमिनीन के दिलों में हमेशा मौजूद रहता है, लन तबरदा अबदा, जो कभी भी ठंडा होने वाला नहीं। ये बात तो पहले भी आपने सुनी हुई है, लेकिन आप अपने आज गरबान में झांकेंगे और मैं अपने में देखेंगे कि ये बात सच्ची है तो सच्ची, हम पे कितनी इम्प्लीमेंट होती है। ये अरबी में कहते हैं फी है बाख़्तुन, वो सियाने सियाने बड़े बड़े उलमा जो है ना वो किसी पे एतराज़ करने के लिए किसी की बात ना मानी तो और तो कोई नहीं, तो ये अरबी बैठे हैं वो कहते हैं फी है बाख़्तुन, इसमें बहरहाल कुछ गुफ्तगु हो सकती है, यानी सीधा ना नहीं करना तो इधर उधर से कह जी बहस करके तो अगले की बात रद्द करनी। ऐसे ही है कि अजीज़ान मोहतरम क्वेश्चन ये है कि वो
हरारत कहां गई है हमारे दिलों में कि पहली तारीख मुहर्रम की चांद नजर आया और वो हरारत जागने शुरू होती है, और जो ही आशूर की शाम ढली जामे गरिमा हुई तो वो हरारत क्या वो राख भी नहीं रहती। आपके लिए नहीं कह रहा, वैसे दुश्मन आपका बहुत इस पर काम कर रहा है। एक दौर था कि इस चीज की जरूरत थी कि आशूरा को जिंदा किया जाए, तो उलमा ने, खुतबा ने, जाकिरीन ने, मोमिनीन ने, हत्ता हुसैनी बहमन लोग जो थे उन्होंने भी इस पर मेहनतें की, और फकीरों ने, सूफियों ने इस पर मेहनतें की और इस चीज को उजागर किया कि वो मासूमीन अलैहिस्सलाम की तलक्की और तलकीन कि इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारत फी क़ुलूबिल मोमिनीन, उस हरारत को जिंदा रखा जाए। कैसे, ये लंबी चौड़ी बहस है। तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि इसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आए, और वो हरारत किस हवाले से रही। देखिए, बैक पाकिस्तान में घरों में जहां बिजली नहीं होती है वहां लकड़ी से आग जलाई जाती है, तो जब आग काफी देर जलना बंद हो जाए तो फिर ऊपर राख जम जाती है, तो अगर मोटी लकड़ियां हो तो उसका कोयला उसके अंदर दम कर रह जाता है, वो बड़ी देर से बुझता है। ये उस बात की तरफ इशारा कर रहा है मासूम कि वो हरारत जो है वो बुझती नहीं है, कभी भी वक्त आ सकता है वो दोबारा जिंदा हो जाती है। तो क्या किया जाता है, उसको जब हटाया जाता है, उस राख को हटाया जाता है, जहनों को और दिलों को सैकल किया जाता है, साफ किया जाता है, या वो फूंकों से, या कुदरती हवा चलती है, या किसी हवाले से ही उसको हटाया जाए तो नीचे से वो हरारत आपको महसूस हो सकती है। दुश्मन 1400 साल, आज 1375 साल गुजर गए सैयद शहदा की शहादत उज़्मा के वक्त से लेकर आज तक। आपको क्या बताऊं कि इस फलसफे करबला को मिटाने के लिए दुनिया ने क्या हरबे इस्तेमाल किए। वो वक्त भी आया कि हुसैन इब्न अली के रोज़े अक़दस और ज़रीए मुतहर को 13 मरतबा मिसमार किया गया, बिल्डोज किया गया, पानी छोड़े गए, आग लगाई गई और बिल्डोज किया गया। बनी अब्बास ने, बनी उमैया ने इसमें कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। आज दुनिया की तारीख शाहिद के यूनिवर्सल तौर पर कि जिस हस्ती का नाम मिटाने की कोशिश की गई वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है, यूनिवर्सल हो गया, और जिन ताकतों ने उसको मिटाने की कोशिश की गई करी वो हिस्ट्री बन गया। तो अजीजान मोहतरम, कहीं ऐसा ना हो कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने, हम जब पढ़ते थे उस वक्त इरशाद फरमाया करते थे कि मसाजिद संगरस्त संगर हारा तनहा न गुजारी थी, कि आपकी मस्जिदें आपके मोर्चे हैं और जब फौजी मोर्चे छोड़ दे तो पता है आपको क्या होता है। ये बात तो आप समझते ही हैं, लेकिन यहां आप लोगों को और हमें ये सोचना पड़ेगा। अब मैं कई दिनों से देख रहा हूं, आशूरा गुजरा उसके बाद आज तो डॉक्टर साहब भी नहीं थे। नमाज जो है वो देखिए, मासूम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज के लिए इंतजार करो, नहीं है कि नमाज आपका इंतजार करे। पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं, मैं मेंबर में बैठ के कह रहा हूं, ट्रस्ट मी कि हम नमाज समेत वेट करते हैं कि कब कोई आए। और मैं मजाक के तौर पर आज बरकत शाह साहब से कह रहा था कि हम तो किसी बाबे की तलाश में हैं, कोई बाबा एक आध आए तो नमाज पढ़े, ठीक है। तो अजीजान मोहतरम, क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? क्या हुसैनियत और मुहर्रम और मूवमेंट ऑफ करबला का फलसफा, उसका पस मंजर, उसका पेश मंजर, उसकी फलसफी, उसकी लॉजिक कहां गई? क्या हुसैन इब्न अली
ने अपना इतना कीमती सर कटा दिया सिर्फ वाह वाह करने के लिए या नारा लगाने के लिए या चांद आंसू बहाने के लिए? नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि हुसैन इब्ने अली ने कहा था कि मैं नाने का दीन बचाने के लिए इतना कीमती सर कटवा सकता हूं लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दे सकता। दीन का रुकने रकीन और जुज़्वे आज़म और उसका अमल मुहिम तरीन और अहम अमल वो नमाज है। ये किसी से भूली चुकी बात नहीं है। और अगर मोमिन कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, काहे का मोमिन? आजादारी और नमाज जुदा नहीं है। आज आप दुश्मन की बातें सुने तो उसने वो काम कर दिया जो करना चाहता था, कह शिया कौम में दराड़े डालो, डिवाइड करो, कुछ को कहो कि जी फजाइल ना पढ़े, नारा नहीं लगना चाहिए, कुछ को कहो कि जी नमाज की तरफ नहीं जाना चाहिए, कुछ को कहो जी सिर्फ मातम करना चाहिए, कुछ लोगों को कहो जी मातम के बिल्कुल खिलाफ हो जाओ, कुछ को कहो जी जंजीर जनी करनी चाहिए, दूसरों को कहो जी नहीं जंजीर जनी नहीं करनी चाहिए, किसी को कहो जी मलंग हो, किसी को कहो जी मुकसर हो, किसी को कहो जी वहावी हो, किसी को जी वाली हो। अजीजान मोहतरम, ये दुश्मन की चाल है, इसमें क्यों आते हैं? आपके और मेरे राहबर और मौला आका हुसैन इब्ने अली इरशाद फरमाते हैं, अल मोमिनु कय्यिसुन, मोमिन इससे ज्यादा चालाक और होशियार होता है जितना लोग उसे समझते हैं। दुश्मन अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है और वो जीरो से लेकर हीरो तक और बॉटम से लेकर टॉप तक कहां कहां घुस गया और कहां कहां से आवाजें आना शुरू हो गई। अजीजाने मोहतरम, इमाम खुमैनी का वो लफ्ज और जुमला क्यों हमें भूल गया कि मसाजिद संगर है, यानी वो मोर्चे हैं, जब उन्हें खाली कर दिया जाए तो दुश्मन तो कामयाब होगा ही सही, वो तो फिर क्वेश्चन मार्क करेगा ही सही। अगर ये दोनों सुतून हमारे हाथ में हो तो किसी की मजाल नहीं हो सकती है। नमाज एक हाथ में हो, आजादारी दूसरे हाथ में हो तो फिर खुमैनी भी बनते हुए नजर आते हैं, फिर खामनाई भी बनते हुए नजर आते हैं, फिर खोई भी नजर आते हैं, फिर सिस्तानी भी बन सकते हैं। इसलिए कि फिर दुश्मन, वो कहते हैं फारसी में कहते हैं कि चश्मे दुश्मन कूर बाशन, फिर दुश्मन की आंख अंधी हो जाती है, कहां से मैं दाखिल हूं। नमाज वाला दरवाजा भी जो है ये इन्होंने पहले ब्लॉक किया हुआ है कि फुल है मस्जिद, मैं कहां से दाखिल होकर अपना मैसेज दूं। और आजादारी ये हटने वाले नहीं है, और ये दोनों चीजें जो है ये एक आपस में जिद नहीं है, कंट्रडिक्ट नहीं है, बल्कि एक ही चीज है। और ये है सिर्फ के समझने की जरूरत है कि अगर देखिए, मैंने किसी वक्त में अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि आजादारी और नमाज और नमाजी और आजादार ये एक ही चीज है। कौन है जो सबसे बड़ा नमाजी हो ज़ैनुल आबिदीन से हट के, और कौन है जो सबसे बड़ा आजादार हो सज्जाद के अलावा? यानी सज्जाद आजादार भी है तो यक्का था, और अगर नमाजी भी है तो कैसी नमाज? बाकी आइम्मा सैयदुस साजदीन नहीं है, बाकी आइम्मा ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, बाकी आइम्मा सज्जाद नहीं है। यानी ऐसे हालात में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्यों ज़ैनुल आबिदीन कहा गया, क्यों सैयद सज्जाद कहा गया, क्यों सैयदुस साजदीन कहा गया है? वो हालांकि जब किसी वक्त में पांचवें इमाम ने कहा था अपने बाबा को के बाबा जान आप बहुत इबादत करते हैं, लोग आपको सैयदुस साजदीन कहते हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन बहुत इबादत करते हैं, कम किया करें। तो इरशाद फरमाया अपने दादा अली का इबादत वाला रजिस्टर उठा के लाओ ना जरा बाकर। तो जब देखा तो कहा कि बाकर जरा उधर कंपेयर करो ना, मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता जहां अमीरुल मोमिनीन की इबादत का तल, लेकिन बावजूद उसके अमीरुल मोमिनीन सैयदुस साजदीन न बने, अमीरुल मोमिनीन ज़ैनुल आबिदीन न बने, अमीरुल मोमिनीन सज्जाद न बने। वजह क्या है कि अमीरुल मोमिनीन ने जब नमाज पढ़ी तो भूखे प्यासे कैद में नहीं पढ़ी, मुश्किलात में नहीं पढ़ी, अपनी जनाजों को छोड़ के नहीं पढ़ी, अपनी माँ और बहनों के पर्दा कुर्बान करने के बाद नहीं पढ़ी, बल्कि ज़ैनुल आबिदीन वो हैं कि जिन्होंने वो आजादारी भी अपने साथ रखी और नमाज जो है। और अमीरुल मोमिनीन के ये औलाद और बेटे और
जनाब ज़ैनब औलिया मकाम का क्या कहना कि जिन्होंने कैसी नमाज पढ़ी है। कोई देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया था आखिरी वक्त में वसीयत के, हुसैन इब्ने अली वसीयत करता है ज़ैनब को कि ला तनसीनी फी सलातिकिल लैल, के मेरी बहन ज़ैनब मुझे अपनी नमाज तहज्जुद की दुआ में न भूलना। अब अंदाजा ये लगाइए मोमिनीन के हुसैन ने ये नहीं कहा कि नमाज वाजिब में, अजीब पॉइंट ये है कि हुसैन ने ये नहीं कहा, हुसैन को मोर देन 100% यकीन था कि ज़ैनब वो है कि आलम गैर मुअल्लमा जिसकी वाजिब तो कजा होने का सवाल ही नहीं उठता है, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। मैं क्यों कहूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नमाज तहज्जुद भी कजा ना होने पाए कि हो सकता है जिन हालात से गुजर रही है मेरी बहन, हो सकता है किसी वक्त ऐसा वक्त आ जाए कि नमाज तहज्जुद जो है उसमें सुस्ती हो जाए। इमाम मज़लूम कर्बला ने कहा कि मुझे हुसैन को अपनी दुआए तहज्जुद में ना भूलना बहना। तो और फिर क्या कहने उस बीबी के, सिर्फ एक बीबी ने, मुझे नहीं मालूम कि कोई मुझे कल कह दे कि जी फलाने कोई, लोग कहते हैं तौहीन करते हैं हजरत हुर की कि कजो इतनी नमाजों की बातें करते हैं तो क्या हुर ने नमाजें पढ़ी हैं। मैं कहूंगा मिंबर हुसैन से जैसे हुर ने नमाज पढ़ी है किसी ने पढ़ी ही नहीं, इसलिए कि हुर ने जब भी नमाज पढ़ी है मासूम के पीछे पढ़ी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी। तो यह मजाक है नमाज का। अजीजान मोहतरम आज़ादारी देखिए अपने आप को चेक करने के लिए मासूमीन ने मेजर दिए कि हज किसका कबूल है। आप में से हजी बैठे को जो हज पे जाते हैं, खुदा आपको ले जाए, नहीं गए तो आपको खुदा ले जाए, मैं दुआ कर रहा हूं इंशाल्लाह आप जाएंगे। तो किसी ने मासूम से पूछा कि मौला हम जो हज करके आ गए हैं तो हमें कोई ऐसी तसल्ली हो सकती है कि हज कबूल भी होगा कि नहीं। तो मासूम ने इरशाद फरमाया हाँ क्यों नहीं, आप चेक कर सकते हैं, खुद ही चेक कर सकते हैं कि हज जाने से पहले और हज से वापस आने से बाद आप में कोई फर्क है या नहीं। अगर आप फर्क समझते हैं तो आपका हज कबूल हो गया, अगर जैसे गए थे वैसे ही आ गए तो फिर जाने का भी नुकसान किया आपने और आने का भी वक्त जाया किया और पैसा वखरा खर्च किया, वो तो मतलब है उसका कोई फायदा ना हुआ। इसी तरह अजीजाने मोहतरम मुहर्रम, ये जो 10 दिन मुहर्रम है, ये कहा जाता था कि हमारी यूनिवर्सिटी है, ये मिंबर जो है ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यानी ये यहां से उलूम आले मोहम्मद नशर होते हैं। और अजीजाने मोहतरम मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि मैंने पहले माफी मांग ली आपसे कि जी आज नारे भी ना लगे तो कोई मुझे इंशाल्लाह माफ करेंगे के वाह वाह करने से कुछ भी नहीं होता है, नाराज ना हो जाना, मैं बात फिर माफी चाहता हूं। और अजीब बात यह है कि वाह वाह होती क्या है। आज मैं आपको एक नुक्ता देने जा रहा हूं और आप याद रखेंगे कि आइंदा वाह वाह कम की जाए। नहीं आप करेंगे सही, लेकिन करने से पहले सोचेंगे कि वाह वाह होती क्या। एक होता है सुभान अल्लाह, एक होता है वाह जी वाह। बात समझिए मेरी, अरबी में ये अरब बैठे हैं बाय बर्थ, किसी को मुबारक देने का क्या लफ्ज है सर, बारक अल्लाह तबरीक मबरूक बारक अल्लाह फीकुम, इज़्ज़त। ये बखिन कौन सा लफ्ज है, उसका क्या मतलब है। हाँ, ये पुराने नहीं है ना, इसलिए इन्होंने सुना है। मैं आपको बताऊं कि बख्तन का माना क्या है। बख्तन का माना जो किसी ने किसी वक्त कहा था किसी को, कितना एहतियात से गुजर रहा हूं, मजबूरी देखे हमारी। हाँ जी, बख्तन का माना है वाह जी वाह, कोई मबरूक का माना नहीं है। इसलिए कि अगर मुबारक देनी है तो उस दौर, वो तो पुरानी अरबी नहीं थी ना, उस वक्त रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं बारकल्लाहु फीकुम व फी शियातिकुम, रसूलुल्लाह भी तो मुबारक दे रहे थे ना,
और बहुत सारे लोगों ने रिली रिली मुबारक दी अमीर उल मोमिनीन को कि बारकल्लाहु फीक या यबना अबी तालिब, लेकिन किसी ने कहा था बखेन बखेन वाजी वाह। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी बखेन बखेन लगा यबना अबी तालिब वाजी वाह, यानी वाह वाह करने के कई माने हैं। अकेले तकफी इशारा, अकलमंद तो इशारा भी समझता है ना, आप तो इससे भी ज्यादा अकलमंद हैं कि किसी की तौहीन करने पे चले तब ही कहते हैं वाह जी वाह, और किसी की तारीफ करें तो कहते हैं वाह जी वाह। अक्सेंट से मालूम होता है कि उसने तारीफ की थी मौला की, या हथियार दिया था, या उज़्र बनाया था, या माकिंग की थी, क्या कहना चाहता है बखन बखन। तो अजीजा ने मोहतरम यही है कि अगर हम मुखलिस हैं और हुसैनी हैं तो हुसैनी का मतलब क्या है पता है? आपकी रोजमर्रा की हालात में यह होता है कि जो बंदा वेडिंग से आ रहा हो, वेडिंग होती है ना, आप शिया हजरात स्टॉप करते हैं ये दो महीने, लेकिन बहरहाल शादी में जाते हैं ना, तो शादी में सज धज के जाते हैं और वापस आते हैं तो किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि जी कहां से आ रहे हैं, पता चल रहा होता है उसकी चाल से, ढाल से, लुक से, गुफ्तगू से, उसके तासुरात से कि ये वेडिंग से आ रहा है। और अगर कहीं फ्यूनरल से आ रहे हो तो भी पूछना नहीं पड़ता, पता चल जाता है, इसलिए कि उसका लिबास बता रहा होता है, उसकी शक्ल बता रही होती है, उसकी रफ्तार बता रही होती है कि ये फ्यूनरल से आ रहा है। तो यही तो फलसफा मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुहर्रम का फलसफा क्या है कि मुहर्रम से पहले और मुहर्रम के बाद में फर्क महसूस होना चाहिए ना, कि अगर कोई शिया हो मुहर्रम के 10 दिन के बाद आशूरा गुजरने के बाद उससे हुसैनी खुशबू आती है कि नहीं। अगर उससे हुसैनी खुशबू आती है तो इसका मतलब है कि सफल हो गया, उसने मुहर्रम का फलसफा समझ लिया उसने, इसलिए कि देखिए शहादत कब हुई है आशूरा के दिन, मसायब तो शुरू होने चाहिए आशूर के बाद, पहली मुहर्रम को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम रोना पीटना शुरू करते हैं कब से, पहली मुहर्रम से, और जब शहादत हो गई उसके बाद हम घर चले जाते हैं, ये क्या हुआ। अजीजाने मोहतरम, मेरा मतलब ये है कि हाजी जब एहराम में होता है क्या करता है, बहुत सारी चीजें नहीं करता है ना, 26 चीजें या 24 जो वो जायज होती हैं वो भी हराम हो जाती है उसने, तो लेकिन वो पार्ट टाइम होता है। हमने कहा था कि हुसैनी एहराम जो है वो काला लिबास है, वो हम परमानेंट एहराम में होते हैं, और जब तक वो उस अमल में मशगूल होता है हाजी या एहराम में कोई भी होता है तो उसका एक्शन वही होता है जो उधर से आता है। तो क्या हो गया, हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि भैया कोई लिंक तो मिस है ना, कोई तो प्रॉब्लम है ना, कि हमें यहां से क्या दिया गया और हमने क्या लिया, और अगर हमने यहां से दिया कुछ नहीं है तो इधर कसूर है, और अगर इधर से दिया गया उधर नहीं लिया गया तो उधर कसूर है, प्रॉब्लम तो दोनों तरफ होगा, और अगर इधर से दिया नहीं गया उधर से लिया नहीं गया तो दोनों जूते खाएंगे। हुसैन अपने अली कहेंगे मैंने इसलिए सर नहीं कटाया था, मैंने इसलिए अपना अकबर कुर्बान नहीं किया था, मैंने इतना कीमती पर्दा अपनी बहनों का इतना कुर्बान नहीं किया था कि लोग जो हैं वो उसको कोई और एंगल दे दें और उसका कोई और मतलब ले लें, नहीं बल्कि मैंने तो ये सारा का सारा सिलसिला अगर किया था सोच समझ के किया था, और इसके दो पार्ट थे हमारे, एक था करबला तक और एक था करबला के बाद का। और हमने ये भी कहीं शायद आज किया और अगर नहीं किया तो मैं दोबारा दोहरा दूं कि देखिए कि इस्लाम जिसकी बात की जाती है, सलावत भेजिए मोहम्मद वाले को, कि इस्लाम जो मुकम्मल हुआ 1,24,000 अंबिया की ड्यूटी क्या थी, इस्लाम की तबलीग, लेकिन नाराज नहीं हो जाना, 1,24,000 अंबिया की सारी जिंदगी खर्च हो गई
और पैगंबर के 63 साल और 23 साल तबलीग भी खर्च हो गई, ये मुकम्मल ना हुआ। मगर ये कि जब धमकी आई और थ्रेट आया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा अनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये हुक्म पहुंचा दीजिए, तो मालूम हुआ गदीर खुम पर विलायत अली इब्न अबी तालिब के ऐलान के साथ इस्लाम मुकम्मल हो गया। लेकिन ये तो हमने सुन लिया, मुकम्मल तो हो गया लेकिन महफूज नहीं हुआ। हाँ जी, गदीर पर विलायत अमीरुल मोमिनीन से मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला अली इब्न अबी तालिब, आपकी विलायत से इस्लाम मुकम्मल हो गया, महफूज नहीं हुआ। महफूज कब हुआ? हकी मेरा महफूज कब हुआ? करबला में। इसलिए समझना पड़ेगा कि जो इस्लाम की तकमील चाहते हैं वो गदीर को समझेंगे, और जो इस्लाम की हिफाजत चाहते हैं उन्हें करबला समझना होगा। और करबला में मैं हाथ जोड़ के कहूंगा हुसैन इब्न अली, मेरे करोड़ों सलूट और सलाम, आपने भी अपनी शहादत उज़्मा से इस्लाम का माजी महफूज कर लिया लेकिन फ्यूचर नहीं, और फ्यूचर बचाया है और महफूज किया है आपकी शरीकत और हुसैन बहन ज़ैनब ने। यही वजह है कि 1,24,000 अंबिया हर शबे जुमा, यही आज की रात करबला में आते हैं, और सारी रात, ये रिवायत में है, सारी रात अंबिया का आना जाना रहता है, और जब सहर होती है सुबह सादिक तुलू होने वाली होती है तो हुसैन इब्न अली कहते हैं मैं अदब से अर्ज कर रहा हूं 1,24,000 अंबिया आपका यहां आना और मेरा शुक्रिया अदा करना हो गया, अब आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, अब मैं किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहा हूं। और रिवायत में है कि सैयद शुहदा बनफ्स नफीस दमस्कस जाते हैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करने के लिए कि अगर गदीर ना होती तो इस्लाम मुकम्मल ना होता, और अगर करबला ना होती तो गदीर भूल गई होती, और अगर ज़ैनब ना होती तो ये करबला का सारा सिलसिला करबला में ही दफन हो जाता, भूल जाता। ये खुतबात ज़ैनब का और मूवमेंट ऑफ ज़ैनब का ये असर है कि उसने सारी इस सिलसिले को जान दे दी और जिंदगी दे दी। और वो खुतबात देखिए, अजीब बात यह है कि जनाबे ज़ैनब औलिया मकाम ने जो खुतबात दिए हैं करबला से, करबला के आशूर की शब जब आई यानी आशूर का दिन जो गुजरा तो शाम गरीबा, उसमें ये सवाल किया था जनाबे फिजा ने के शहजादी अब हुसैन इब्न अली तो रहे नहीं, और उन्होंने कल कहा था कि अल यौम नामत आयुनन बेकलम तनम, क्या अब्बास तेरे जाने के बाद आज वो सोएंगे जो तेरे डर से नहीं सोया करते थे ना, लेकिन वह तसहरत उखरा, लेकिन कुछ जो आराम से सोते थे तेरी वजह से आज वो नहीं सो सकेंगे। अजरकुम अल्लाह, वो शाम गरीबा जो मुसीबत की शाम आई, मुझे नहीं मालूम कि कैसे जहरा की बेटियों ने नमाजें पढ़ी उस रात। ये दुनिया की कोई तारीफ नहीं कहेगी कि जनाब ज़ैनब औलिया मकाम या दूसरी शहजादियों ने नमाज नहीं पढ़ी। ऐसे हालात में भी खैमे जल रहे हों और पानी तो 3-4 दिन से था नहीं, बावजूद उसके रसूल की बेटियों की कोई नमाज कजा नहीं है, और अब जब शाम ढल गई यतीमाने हुसैन को इकट्ठा करके ज़ारा की बेटियां अब परेशान हैं, नजरत यमीनन व शिमाला, इधर देखती हैं उधर देखती हैं, जनाब फिजा आगे बढ़ी और कहा कि बीबी आज पहरा कौन देगा, तो कहा कि वक्त तकसीम कर लेते हैं और बारी बारी, तो कहा कि नहीं बीबी प्रॉब्लम यह है कि उधर अश्किया सारे के सारे मौजूद है मर्द,
इधर है कोई नहीं। और बीबी प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ एक आवाज पहचानते हैं और वो है अब्बास की आवाज। तो जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने कहा था कि अम्मा फिजा अम्मा फिजा शुक्रिया तेरा याद करा देगा अम्मा फिजा अब तूने कह दिया मसला हल हो गया मुश्किल हल हो गई। बीबी कैसे? कहा तूने मुझे अकेले में बोलता नहीं देखा, जब मैं बोलती हूं तो बिल्कुल अब्बास लगती हूं। आज पहरा तेरी शहजादी ज़ैनब उलिया देगी और वो नमाज़े इशा पढ़ के एक जली हुई चोट उठा के ज़हरा की बेटी अल हाफिज वल हफीज की आवाज बुलंद की, अब्बास का लाशा नहर फुरात के किनारे तड़पता है बहना क्या किया जाए? आपने और तेरे भैया ने अब्बास को इतना पाबंद किया, एक दफा कहा था भी नहीं, हो गया कभी नहीं, अब मैं क्या करूं? तो जनाबे ज़ैनब उलिया मकाम ने वो पहरे दिए और उसके बाद आपको मालूम है नमाज फजर भी अदा की कैसे नमाजी बाप की नमाजी बेटियां, नमाजी भाइयों की नमाजी बहनें, नमाजी अम्मा की नमाजी बेटियां, नमाजी भतीजों की नमाजी फुफियां, नमाजी नमाज की मुहाफिज नमाजी मस्तूरात, उन्होंने कैसी नमाज की हिफाजत की। ऊंट की कुहान पर भी बैठे हुए किसी ने कहा था किसी जाहिल ने कहा था कि अपना मतलब हल करने के लिए कि जी बीबी ने अपना माथा मारा, टक्कर मारी महमल पर और सर जख्मी किया। मैं कहूंगा हाथ जोड़कर जरा मुताला तो करके पढ़ा करो, जरा सोच के तो पढ़ा करो। अरे महमल तो एहतराम की वजह से होते हैं। जहरा की बेटियों को नंगी पलानों बगैर पलाने ऊंटों पर बिठाया गया था, वहां कोई महमल नहीं था। यही वजह थी कि छोटे छोटे बच्चे सैदानियों के हाथ हाथ पकड़े रहते थे लिबासों को, लेकिन बच्चा कब तक। और ये जालिम जब ऊंटों को दौड़ाते थे, अब जाइए खुदा आपको ले जाए, आप तो सहूलतें आपके पास बहुत ज्यादा है। लोग जब जमीनी सफर करते थे या पैदल जाते थे तो करबला से कूफा और कूफा का शाम जमीनी रास्ते पर, वहां आपको हर थोड़े थोड़े फासले पर कब्रें मिलेगी जिन पर सब्ज रंग का कपड़ा और उस पर लिखा हुआ होगा कि हाजा कब्रो तिफ्ल हुसैन इब्न अली, ये हुसैन के बच्चों की कब्रें हैं। हुसैन के इतने बच्चे नहीं थे, ये वो लावारिस बच्चे थे जिनकी माओं का लिबास उनके हाथों से छूट जाता था और वो गिर जाते थे और ऊंटों के सुनों के नीचे पामाल होके शहीद हो जाते थे। अम्मा में गिर गया और माए वहां से कहती थी बेटा खुदा हाफिज, और वो वक्त भी आ गया कि सकीना बिनत हुसैन गिरी। अब हुसैन के सर वाला नेजा नहीं चलता है, अजरुकुम अल्लाह, नहीं चलता ना नेजा। जालिम ने आके पूछा ज़ैनुल आबिदीन आपके बाबा का नेजा क्यों नहीं चलता? तो मज़लूम इमाम ने पूछा कि बाबा आप क्यों नहीं चलते? कहा मेरी बेटी गिर गई, अरे सज्जाद अभी तक मेरे बच्चे थे, अब मेरी इज्जत का मामला है। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ बाबा मैं जाता हूँ, जब वापस आए अपनी बहन को लेने के लिए रिवायत मौजूद कि बीवी सकीना को एक श्याम के वाली मस्तूर दिल नजर दिलासा दे रही है। कहा बीवी खुदा आपको अजर दे, आपने मेरी यतीमा बहन को तसल्ली दी, गले से लिपट गया। कहा ओ मेरा कैदी मां बेटा, अरे तूने नहीं पहचाना जब से तुमने मदीना छोड़ा, तुम्हारी दादी जहरा ने बकिया छोड़ा। الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها
والسر المستودع فيها باسمك العظيم الأعظم العزل اجل الاكرم يا الله خدا خدا بندہ ان روتی ہوئی آنکھوں کو کبھی نہ رلانا مالک کائنات ہمارے مخصوصاً حاضرین کے اور ان کے بزرگان کے گناہوں سے درگزر فرما ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی عبادت میں شمار فرما اگر ہم سے کوئی سب کے لسان یا مستعفی ہو گئی مالک کائنات معاف فرمانا اور اگر ہم نے تیرے دین کا میسج ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے تو اسے قبول فرمانا مومنین کرام مخصوصاً حاضرین کو ان چیزیں جو ہم نے پیش کی ہیں ان پر سوچنے کی اور غور کرنے کی توفیق مرحمت فرما مالک کائنات بہت سارے کوسچن ہیں ان کوسچنز کا تو اپنے آٹومیٹک سسٹم سے اس مظلوم قوم کو جوابات عنایت فرما قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بننے کی توفیق عنایت فرما عزیزان محترم نمازی وہ نہیں ہوتا اور عزادار وہ نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی ہو کہ کبھی آ جائے تو بہت زیادہ پڑھ لے اور کبھی ہو تو بالکل بھی نہیں بلکہ نمازی وہ ہوتا ہے کہ زین العابدین کی طرح کیسے حالات بھی آ جائیں وہ نماز مس نہ ہو جناب زین العلیہ مقام اور باقی اسیران کربلا کی طرح کیسے حالات بھی ہو جائیں لیکن واجبات جو ہیں وہ قضا نہ ہو جائیں عزیزان محترم خداوند ذوالجلال مالک کائنات ہمیں یہ سوج بوجھ اور بصیرت عطا فرما اور ہمیں اپنے اوپر ہر کسی کو اپنے اوپر کہنے کی ضرورت نہ پڑے دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تیرا حکم ہے کہ ارشاد فذکر ان الذکرۃ تنفع المؤمنین اور عزیزان محترم مجھے یقین ہے 100% یقین ہے کہ آپ نمازی ہیں لیکن میری گزارش جو ہے پھر بھی اس پہ غور کیجئے کہ مساجد سنگرست سنگرہار تنہار میں گزارین گھر میں نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے اپنے مورچے میں نماز پڑھنے سے اس کا اجر بھی دوبالا ہو جاتا ہے دشمن کی آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں بہت سارے کوسچنز کا آنسر بھی مل جاتا ہے خدا را اپنے مساجد کو پر کرنے کی کوشش کریں اور تشریف لایا کریں ٹائمنگ جو بھی آپ سیٹ کریں گے یہ کوسچن آتا ہے کہ جی اول وقت میں نہیں تو بعد میں نماز جماعت کے لیے اگر آپ لوگ آئیں تو بے شک ایک یا دو یا تین گھنٹے لیٹ بھی پڑھیں تو اس کا جبران ہو سکتا ہے اس لیے کہ جس پرپز کے لیے وہ کیا گیا ہے وہ عمل اس کا جبران اگر ہو جائے وہ تعداد ہو جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے وگرنہ پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اول وقت میں پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے خدا خدا بندہ اس مرکز کو بھی آباد اور شاد رکھ ان مومنین کے گھروں کو بھی آباد فرما ان مومنین کے مراکز کو بھی آباد فرما ان مومنین کے رزق مال جان اولاد میں برکت عنایت فرما ان مومنین کے بزرگان کو معاف فرما ان کی خوشیاں انہیں نصیب فرما اور غموں کو ہمیشہ ان سے دور رکھ مالک کائنات ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا مالک کائنات ان کی مستورات کو با حجاب اور سٹرانگ بنا خدا خدا بندہ جو حج و زیارات کی شوق رکھتے ہیں ان کی یہ آرزو پوری فرما اور ہمیں ہمیشہ کے لیے مالک کائنات ہمارے رزق میں لکھ دے نمازی اور عزادار حسین ابن علی قیامت تک کے لیے بلکہ قیامت کے بعد اور جنت میں بھی ہمیں نمازی اور عزادار مظلوم کربلا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ